गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वरूप भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नया स्वदेश पर। अगर हम देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से आपके नंबर्स अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीक्वेंशली जो है कुछ डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो किस तरह की रहने वाली है आने वाले दिनों में? रॉ मटेरियल प्राइसिंग और एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? सबसे बहुत अच्छी बात इस बार ये है कि हमारा जो क्वार्टर वन का प्रॉफिट है वो जीएसीएल का इंसेप्शन से अभी तक का सबसे अधिक प्रॉफिट हमको मिला है। इस क्वार्टर का वो 336.26 करोड़ मिला है। इसका मुख्य कारण है जो कास्टिक सोडा का प्राइसेस है, उसमें मोर देन 100% का इंक्रीज हमको मिला है। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छा हुआ है और हमारा टीम का भी उसमें अधिकांश भाग से उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, हमारा जो ये प्राइसिंग जो ट्रेंड है ये भविष्य में भी इसी तरह के रहेगा ऐसा हमारा अनुमान है, अंदाज है, बेस्ड अपॉन दी जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो अल्यूमिनिया का जो डिमांड है और इंटरनेशनल सेक्टर में भी उसका जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू सस्टेन और वो इंक्रीज भी होने वाला है। इसलिए हमारा कास्टिक सोडा का जो प्राइस है दैट विल सस्टेन मोर देन 50,000 पर टन। दूसरी बात जो हमारा कंसर्न की बात है जो एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी कॉस्ट है और हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन में भी इस बार रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है द रेट वो भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इसका मेन रीजन ही हमारा एनर्जी कॉस्ट है। इसको कम करने के लिए ऑलरेडी हमने कोशिश किए हुए हैं भूतकाल में भी और भविष्य में भी हम करने वाले हैं। एक तो एनटीपीसी के साथ एक कच्छ में एक 100 MW का सोलर पावर प्लांट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, एमओ इज गोइंग टू बी साइन वेरी सून। और दूसरा इसी दौरे पे हम बायो इथेनॉल प्लांट एक दाहोद में भी हम एस्टैब्लिश करने वाले हैं। उसका भी जो लैंड का जो एडवांस स्टेजेस में है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेजेस में है। तो ये दोनों जब कमीशन हो जाएगा तो हम वी एक्सपेक्ट दैट द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड स्पेशली द पावर कॉस्ट विल कम डाउन। करेक्ट स्वरूप जी, यहीं पे जानना चाह रहा था आपसे केपेक्स प्लान के बारे में भी, कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स किस तरह के हैं आपके आने वाले दिनों में? हमने देखा है कि जो है कंपनी ग्रो काफी अच्छा कर रही है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वहां तक के अगर आप केपेक्स प्लान कुछ बता सकें कैसे रहेंगे? एडवांस स्टेज में तीन मेजर एरियाज में हमारा एक्सपेंशन होने वाला है। एक हमारा कास्टिक सोडा प्लांट है दहेज में, जिसका अभी कैपेसिटी 785 मेट्रिक टन है पर डे। ये इंक्रीज होके 1,310 मेट्रिक टन पर डे इट्स गोइंग टू हैपन इन वेरी वेरी नियर फ्यूचर। सिमिलरली क्लोरोमीथेन प्लांट है जो दहेज में, वो अभी जो कैपेसिटी है 170 मेट्रिक टन पर डे दैट इज गोइंग टू इंक्रीज अप टू 495 मेट्रिक टन पर डे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हाइड्रोजन हाइड्रेट जो है वो एडवांस्ड स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन में है। इसमें 10,000 मेट्रिक टन पर एनम उसमें प्रोड्यूस होगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसमें हम फर्स्ट कंपनी है जो भारत का ही ये टेक्नोलॉजी से ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसका कोलैबोरेशन हम IICT हैदराबाद से कोलैबोरेशन के साथ ये पॉसिबल हुआ है और इसमें हमको इंडिया और US दोनों का पैटेंट्स भी मिला है और इसका कमीशनिंग हम बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। मे बी वेरी वेरी नियर फ्यूचर में हम करने वाले हैं। इससे हमारा कैपेसिटी भी बढ़ेगा तो वी एक्सपेक्ट ही हमारा प्रॉफिट्स भी फर्दर क्वार्टर्स में इधर सस्टेन रहेगा और इससे भी बढ़ने का संभावना है। करेक्ट स्वरूप जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, एक्सपोर्ट्स को लेकर इस समय आउटलुक किस तरह का है आपका? और साथ ही साथ आपने जो अभी गेल के साथ बायो इथेनॉल प्लांट जो सेटअप किया है उसकी प्रोग्रेस अगर आप बता सके। एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो है वो भी बहुत अच्छा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15-20% एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमको मिलेगा, स्पेशली जब हमारा ये कैपेसिटी एडिशन होगा। जो मार्केट्स हैं US में हैं, ब्राज़ील में हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उन सब में डिमांड है। सो हमारा एक्सपेंशन वेरी शॉर्ट स्पैन में हम इसको कमीशन करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हमारा 15-20% ग्रोथ एक्सपोर्ट में होगा। जो बायोएथेनॉल प्लांट जैसे मैंने पहले ही कहा था दाहोद में लैंड का भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है गेल के साथ, उसका
बिल्कुल एडवांस स्टेज में है, वेरी शॉर्ट माइनर फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद वो बायोएथेनॉल प्लांट का भी कमीशन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी समय निकाल कर आज ईटी नाउ से देश के साथ जुड़ने के लिए। गुजरात एल्केलाइन केमिकल्स के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे थे किस तरह बिजनेस चल रहा है, लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। रवि सिंह मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रवि बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना, क्या कॉल दे रहे हैं इस समय आप गुजरात एल्केलाइन पर? देखिए इस समय जिस तरीके से मोमेंटम है और जो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर अभी मैनेजमेंट ने पूरी तरह से बताई है, तो मुझे लगता है कि अभी की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्टॉक आने वाले महीनों में अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से देखते हैं तो 8% और लंबे समय के लिए अगर देखते हैं तो कम से कम 12 से 16% के रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाय करके रखा है या जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अपसाइड के टारगेट कम से कम आपको 12 से 16% एक साल में मिल सकते हैं। तो स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ये कंपनी चल रही है यहाँ पर, तो आपको अपनी पोजिशन होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश बाय करना है तो भी यहाँ पर आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अगर 2-3% का करेक्शन मिलता है तो थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय पे आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। ओके तो यानी कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी स्टॉक पे किया जा सकता है फोकस, 12 से 14% तक के रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको होल्ड करें, नई खरीदारी भी करना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि समय निकालकर गुजरात एल्केली पर हमें ये सलाह देने के लिए। 750 पे ये स्टॉक आज फ्लैटिश कारोबार करता हुआ 0.5% नेगेटिव।